सब्सक्राइब कीजिए अधिराज ऑनलाइन जॉइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अधिराज ऑनलाइन जॉइन में। तो गाइस, KGMU में BSc नर्सिंग के एडमिशन 2020 के लिए मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ का जो एक उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिसको बोलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर रिलीज करके बता दे रहा हूँ। और अगर आपका इससे नीचे है कट ऑफ, अगर नीचे है तो फिर आपको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इससे ऊपर हो तो आप कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूँ आपको, तो आप अप्लाई कर देना और होने के चांसेस हाइयर है, ठीक है। तो गाइज, जितने भी कैंडिडेट हैं, पहले तो मैं बता दूँ आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी KGMU के अपडेट्स रिलेटेड या फिर एडमिशन रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड फॉर्म्स के लिए या फिर काउंसलिंग कैसे करते हैं, अगर ये सब आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी इनेबल कर लो, ठीक है गाइज। अगर वीडियो पसंद अगर आपको आए, आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज, आपका KGMU में BSc नर्सिंग 2020 एडमिशन के लिए जनरल वालों के लिए कम से कम 82% होना चाहिए। 82% अगर से ऊपर है तो ही आप अप्लाई करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तो जनरल वालों के लिए 82% है। ये परसेंटेज मैं जो बता रहा हूँ आपको वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश मिला करके है, ठीक है। इस ओनली 4 सब्जेक्ट, तो जनरल वालों के लिए 82% है। और OBC वालों के लिए 75% प्लस होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। और SC कैटेगरी वालों के लिए 68% होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। और ST वालों के लिए 65% कम से कम होना चाहिए, ठीक है गाइज। ये मैंने कट ऑफ बताया है आपको। और अगर आप फॉर्म भरने की अगर एलिजिबिलिटी आप देखना चाहते हो तो वो आपका 50% प्लस ही होगा। तो अगर आप इससे जो मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट बताया है अगर आप उसके अकॉर्डिंग भरते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।